वहीं राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने भी हमला किया है। भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की असलियत अब सबके सामने आ चुकी है, देश कांग्रेस को नकार चुकी है। परीक्षा का परिणाम आने के बाद जिस प्रकार फेल छात्र तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं, उसी तरह राहुल गांधी को जब जनता की अदालत ने खारिज कर दिया तो ईडी, पेगास, आईटी के बहाने बना रहे हैं, मायावती पर भी निशाने साध रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 400 सीटें जीती हो और मायावती ने 0 जीती हो। राहुल जी, उत्तर प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस और आपकी असलियत जान चुकी है। जनता अब भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाने वाली है, बल्कि देश को उन्नत के मार्ग पर ले जाने वाले और शक्तिशाली और समर्थ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जिस तरह से माननीय कांशीराम जी निडरता से लड़ते हुए बहुजन समाज को खड़ा किया था, आज उसी तरह से अगर देखें डर के मारे बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से लड़ने के बजाय घुटने टेकते हुए समर्पण कर चुकी है।